प्यारे बच्चों, आरसी एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बेटा, आखिरी चट्टान हमारा पाठ लगातार चल रहा है, जिसके रचनाकार है मोहन राकेश जी, जिसमें हमने कुछ पढ़ा भी है। पेज नंबर 83, जिसमें थोड़ा सा छोड़ दिया था, उसको आज हम पूरा करेंगे आज की क्लास में। देखिए कि किस प्रकार से लेखक के मन में उदासी घिराई थी, उसके शरीर में कपकपी सी। क्यों? क्योंकि जब लेखक ने पीछे मुड़कर देखा कि किस प्रकार से अकेला वह यात्री था जो अनेक टीलों को पार करके उस समुद्री तट तक पहुंचा, तो कितनी मेहनत की होगी, तो उस मेहनत को देखकर उसके शरीर में एक कपकपी भर गई थी। आज हम आपको पढ़ाएंगे पेज नंबर 83 पर, सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया। यानी सूर्य का जो गोला, सूर्यास्त का समय था, सूर्य का जो गोला था पानी की सतह से छू गया, यानी सूर्यास्त होने वाला था। जब सूर्य का गोला पानी की सतह से छुआ तो पानी का रंग किस किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, वो यहाँ समझने की बात है। पानी पर दूर तक सोना ही सोना डूब गया, सोना का मतलब पीला। जैसे सूर्य का गोला पानी की सतह से छुआ तो समुद्र का जो जल था कैसा दिखाई देने लगा, सोने जैसा, जैसे किसी ने सोना ढुलका दिया। पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी क्षण के लिए, किसी भी पल के लिए उसे, यानी समुद्र के जल को एक नाम दे सकना असंभव था। यानी हर समय समुद्र के जल का जो रूप था, जो रंग था, वो परिवर्तित हो रहा था, जिसमें लेखक कहता है कि एक निश्चित नाम, कि भाई ये नाम है इसका, देना संभव नहीं था। यानी पल भर में ही उसका रंग बदल रहा था, तो कौन सा नाम दे। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी मजबूरी होती है, विवस्था, पानी के लावे में डूबता हुआ जा रहा था। लावे का मतलब लाल रंग से, ठीक है, लावे का मतलब किससे लिया गया, लाल रंग से। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया, यानी सूर्य का गोला धीरे धीरे क्या, पानी में पूरा डूब गया। पूरे डूबने के बाद में समुद्र का जल कैसा हो गया, वो यहाँ देखो। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहाँ क्या बह रहा था, सोना, यानी समुद्र का जल कैसा दिखाई दे रहा था पहले, सोने जैसा, अब वहां क्या बहता नजर आया, लहू, यानी खून बहता नजर आया। बेटा, कहने का मतलब है कि जब सूर्य का गोला समुद्र के जल से छुआ तो सोने जैसा दिखाई दे रहा था, उसके बाद वो लावे में बदला, तत्पश्चात आज वही, इस समय वही जल कैसा दिखाई दे रहा है, खून जैसा, जैसे किसी ने, यानी लाल हो गया, जैसे वहां किसी ने खून बहा दिया हो। उसके बाद कौन सा रंग बदला, कुछ और क्षण बीतने, थोड़ा थोड़ा जैसे और समय गया, सूर्य का गोला नीचे गया पानी में, तो कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैंगनी का मतलब होता है बैंगनी, ठीक है, बैंगनी रंग आप सब जानते हैं, बैंगनी से काला पड़ गया, यानी बैंगनी होता हुआ क्या पड़ गया, काला। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाई तरफ पीछे देखा, नारियलों की टहनियाँ उसी तरह हवा में ऊपर उठ रही थी, हवा उसी तरह गूंज रही थी, क्योंकि समुद्री जो तट है वहाँ पेड़ पौधों के अलावा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, आबादी नहीं होती, तो साई साई की आवाज़ रहती है, हवा गूंजती है, पर पूरे दृश्य पटल पर स्याही फैल गई। क्या फैल गई, काली माँ। स्याही का मतलब क्या होता है, काली, क्यों, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था। और एक साधारण सी बात है कि सूर्यास्त जब हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट, यानी पेड़, श्याह पड़कर, यानी काली पड़ गई थी, यानी अंधेरे में हमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, सब कुछ काला काला दिखाई देता है। जैसे लगातार सिर धुन रहे हो, सिर धुन का मतलब वो अपना सिर उठा रहे हो और हाथ पैर पटक रहे हो, यानी ऐसा लग रहा था जैसे सिर धुन रहे हो और आप हाथ पैर पटक रहे हो, मतलब सब कुछ एक काली माँ मैं दिखाई दे रहा था, सब कुछ काला ही काला दिखाई दे रहा था। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, क्यों, क्योंकि लेखक के मन में डर समा गया कि जिस रास्ते से मैं आया था, यदि उस रास्ते से वापस जाऊंगा तो रात भर इस रेत के टीले, यानी रेत में घूमता रह जाऊंगा। अब मैं उस केप होटल कैसे पहुंचूं, जहां से लेखक आया था वो वहां कैसे पहुंची, क्यों, अंधेरा हो चुका था, अंधेरे में आपको मालूम है कि रास्ता साफ नजर नहीं आता। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां कभी भींचता कभी खोलता उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखने लगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 84 पर बहुत कुछ बचा हुआ है अभी, वो आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। तब तक बेटा बार बार यही कहना है कि आखिरी चट्टान एक
यात्रा वृतांत रचना है, यात्रा संस्मरण है, इसको आप लगातार पढ़िएगा, लगातार समझ बार बार, जब तक आप दो बार इस रचना को नहीं पढ़ेंगे किताब की सहायता से याद बहुत कम होगा, समझ में बहुत कम आएगा, तो बार बार इस रचना को पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो लगातार इसको पढ़ते रहिएगा, समझ में रहिएगा, यदि कोई समस्या आती है तो पूछिएगा। धन्यवाद।